दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है और कोई भी पार्टी और प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसी क्रम में फिल्मी स्टारों और कलाकारों की एंट्री भी हो चुकी है। वेस्ट दिल्ली में प्रवेश वर्मा के प्रचार के लिए सनी देओल ने रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ जमा हुई। दिल्ली के हरिनगर से शुरू हुआ सनी देओल का रोड शो, इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सनी देओल के बैठे हुए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं विधायक, और साथ ही साथ उनके बगल में प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से, और तमाम लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन के जरिए हर कोई सनी देओल की तस्वीर अपने कैमरे में उतार लेना चाहता है। हालांकि रोड शो काफी देर से शुरू हुआ और रोड शो से पहले काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन इसका असर शो पर नहीं हुआ। रोड शो में इतनी भीड़ थी कि कई बार खुद सनी देओल, प्रवेश वर्मा और सिरसा को जनता से सड़क छोड़ने की अपील करनी पड़ी। बाजी, ढाई किलो का हाथ अब किस पर पड़ रहा है? ढाई किलो का हाथ किस पर पड़ रहा है? विरोधी चित्त हो रहे हैं। बस बहुत प्यार मिल रहा है। ये मेरे ढाई किलो की ताकत है जो आप देख रहे हो, ये मेरे ढाई किलो की ताकत है। रोड शो में भीड़ बहुत ज्यादा थी और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे रोड शो की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की गई। और आपको बता दें कि रोड शो काफी देर से शुरू हुआ और सनी देओल को आने में काफी वक्त लग गया, वो जाम में भी फंस गए थे, लेकिन जो पब्लिक, जो भीड़ है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों में किस तरह से दीवानगी है अपने उस एक्टर को लेकर के जो कि लगातार सिनेमा के रुपहले पर्दे पर वो देखते रहे हैं। बीच बीच में सनी देओल हर बार कभी हाथ जोड़ते, कभी वेव करते, और जिधर भी वेव करते उधर लोगों की मोबाइल उठ जाते और उन्हें कैद करने की बातचीत होती। और देखिए बीच बीच में गुस्सा भी हो रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ है उससे उनका वो काफिला आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। हालांकि इस पूरे वाकये पर नजर बनाकर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए भी इस पूरे वाकये को कैद किया जा रहा है।